मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी क्लास में बड़ी ई की मात्रा से शब्द पढ़ेंगे। तो बड़ी ई की मात्रा शब्द पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बड़ी ई देखेंगे और बड़ी ई की मात्रा देखेंगे। तो ये हमारा बड़ी ई का स्वर है और ये स्वरों की ये मात्रा हुई, ये बड़ी ई है और ये बड़ी ई का क्या हुआ, स्वर हुआ। तो बड़ी ई का जो मात्रा होती है ये किधर से होती है, इस साइड से होती है। तो बड़ी ई की मात्रा शब्द पढ़ने से पहले कुछ हम पॉइंट देखेंगे जिससे हमको उसको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग उसको कैसे उच्चारण करते हैं, बड़ी की मात्रा को शब्द को कैसे उसमें लगाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तब व्यंजन का उच्चारण लंबा और तेज होता है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो स्वर होती है और स्वरों की जो मात्रा होती है वो हमेशा किसके साथ होती है, वो व्यंजन के साथ लगती है। क्योंकि जो स्वर होती है वो स्वरों की मात्रा होती है और जो मात्रा होती है वो हमेशा किसके साथ लगते हैं, वो व्यंजन के साथ लगते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। और हमारा सेकंड पॉइंट जो है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। ये आपको अच्छे से इसको समझना है और याद करने हैं। तो बड़ी ई की जो मात्रा है हमेशा व्यंजन के बाद लगाते हैं, पहले नहीं लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट पॉइंट को देखकर उसको समझते हैं कि बड़ी ई की मात्रा जब व्यंजन के साथ लगती है तो व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, लंबा होता है। मतलब व्यंजन सबसे पहले ये क कम लिखते हैं, तो सभी को पता है क क्या है, क व्यंजन है। तो ये क्या है, क हमारा व्यंजन है और क में क्या लगा रहे हैं, बड़ी ई की मात्रा। मतलब क में बड़ी ई की मात्रा, तो इसको क्या पढ़ेंगे कि, तो इसका है कि व्यंजन का उच्चारण लंबा होता है। मतलब क में बड़ी की मात्रा लगेगा तो किसको क्या पढ़ेंगे कि ख, ख प्लस बड़ी ई की मात्रा। मतलब ही, मतलब इसको लंबा उच्चारण होता है, लंबा खींचता है। बड़ी ई की मात्रा हमेशा जब लगाते हैं तो वो जो जिस व्यंजन में लगाते हैं तो उस व्यंजन के साथ जब उसको बोलते हैं तो उसको थोड़े से लंबे खींचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही फिर ग, ग में बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, घी, घ, घ प्लस बड़ी ई की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, घी। तो वो पहले जो पॉइंट है उसके अनुसार हम लोग इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। व्यंजन को जब लंबा और तेज होता है तो उसको हम लोग जो भी जो शब्द है जब इसमें बनाएंगे, जैसे ख में जोड़ेंगे क्या है, रा, तो क्या ऐसे बोलेंगे, खीरा, खीरा। और सेकंड क्या है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। व्यंजन के बाद मतलब यहाँ पर मैंने लिखा क क्या है, क व्यंजन है, क के बाद क्या है, बड़ी ई की मात्रा। मतलब सेकंड पॉइंट के अनुसार क्या है, हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। क क्या है, व्यंजन है और इसके बाद बड़ी की मात्रा लगा, मतलब क के बाद बड़ी की मात्रा, ये हो गया। ये ख क्या है, ख भी व्यंजन है और इसके बाद जो लगा हुआ है बड़ी की मात्रा, तो ख में बड़ी की मात्रा मतलब व्यंजन के बाद लगा हुआ है ये खी। सब इसी तरह ये पॉइंट के अनुसार हम लोग इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द। तो बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द से पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई से बने शब्द। बड़ी ई से बने शब्द को पहले पढ़ने के बाद फिर हम लोग बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है बड़ी ई से बने शब्द, तो बड़ी ई इसमें मात्रा नहीं है, बस वो शब्दों से ही यहाँ पर शब्द अच्छा से ही यहाँ पर शब्द मैंने बनाया है बड़ी ई से। जैसे बड़ी ई और द, तो क्या हो जाएगा, ईद, बड़ी ई और ख, ईख, ग और बड़ी ई, गई, आ बड़ी ई, आई, खा बड़ी ई, खाई। तो ये क्या हुआ, बड़ी ई से बने शब्द हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द, ये सिंपल बड़ी ई से बने शब्द थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द। अब बड़ी ई से बने शब्द को पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे न प्लस
बड़ी ई की मात्रा प्लस म। यहाँ पर बड़ी ई से बने मैंने शब्द को बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर न है, फिर बड़ी ई की मात्रा है, फिर म है। जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेंगे? नी म नी। अब सेकंड क्या है? न प्लस द प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? न दी नदी। फिर क्या है? अब देखिए, च प्लस बड़ी ई की मात्रा, न प्लस बड़ी ई की मात्रा। जब इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेंगे? चीनी। फिर नेक्स्ट है ग प्लस र प्लस म प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ग र मी गर्मी। यहाँ पर फिर है म प्लस छ प्लस ल प्लस बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बन जाएंगे? म छ ली मछली। अब इसको उच्चारण के साथ बड़ी की मात्रा, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखी हूँ कि इसका उच्चारण लंबा होता है, तो उसी के अनुसार हम लोग इसको पढ़ेंगे भी। नी म नी न द में बड़ी की मात्रा नदी, च में बड़ी की मात्रा ची, न में बड़ी की मात्रा नी चीनी, फिर ग र म में बड़ी की मात्रा मी गर्मी, फिर है म छ ल में बड़ी की मात्रा ली मछली। ये सब हम लोग क्या करेंगे? बड़ी की मात्रा से जो शब्द को हम लोग पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? व्यंजन के साथ जब बड़ी मात्रा लगाएंगे तो उसको थोड़ा से लंबे खींचेंगे, मछली गर्मी। ठीक है, ओके, थैंक यू।